केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं केलांचल के 10 मुख्य खबरें, जहाँ पे देश और राज्य से जुड़ी मुख्य खबरें होंगी। तक के वरिष्ठ एंकर रोहित सरदाना का निधन, खामोश हुआ दंगल का उस्ताद। समाचार चैनल आज तक की एक मजबूत आवाज और अपने तेवर बेबाकी के लिए मशहूर वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का शुक्रवार को, जिनकी उम्र थी 41, उनका निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और बेड की पोस्ट करने वालों पर ना हो कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य व डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की तो अवमानना का मामला चलाएंगे। वायुसेना के जहाज से एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन रांची लाया गया। भारत के गंभीर हालात में विदेशों से आए सहायता ऑक्सीजन रांची तक भी पहुंचाया गया। हालांकि झारखंड के बोकारो से दूसरे राज्यों के लिए ऑक्सीजन भेजा भी जा रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से अगर चुनावी नतीजे आए तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनने के आसार हैं। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगाने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने भारत बायोटेक और सीरम में से 25-25 लाख टीके का ऑर्डर दिया, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनी अभी वैक्सीन देने से हाथ खड़ा कर दिए हैं। नगर निगम ने कचरा गाड़ियों और पानी के टैंकरों से रांची में शुरू किया सैनिटाइजेशन। महामारी के संक्रमण को ध्यान देते हुए रांची नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। खबर पलामू की है। खड़ी बस में अनियंत्रित यात्री बस की हुई भीषण टक्कर। घटना में मौके पर ही 2 यात्री की मौत हो गई, 1 दर्जन से अधिक घायल हुए। छतरपुर से मोदी नगर जा रही थी बस, इसी दौरान बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी ट्रक से भिड़त हो गई। आईआईटी धनबाद में कई पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने एएसआईसी कंपनी में पूर्णतः अस्थायी बहाली के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। चारा घोटाले मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से निकले बाहर। संयुक्त बिहार में चारा घोटाला मामलों में सजाए हफ्ता सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। वह झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। दवाओं की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी, सीआईडीओ को मॉनिटरिंग का निर्देश। झारखंड के कोविड मरीज को मिलने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण दास की अदालत ने गुरुवार को कोरोना से निपटने के इंतजाम के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।